नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी हरकतों की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अब इमरान खान ने कहा है कि देश की सेना उनके साथ है और विपक्षी दल के दबाव में उनके इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। इमरान ने कहा कि हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि विपक्षी दल के आज़ादी मार्च के पीछे भारत का हाथ है। बता दें, पाकिस्तान के विपक्षी दल जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान सरकार से इस्तीफे की मांग के साथ देश में आज़ादी मार्च निकालने का ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान का यह आज़ादी मार्च 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस मार्च को इमरान खान सरकार ने इस शर्त के साथ इजाज़त दी है कि इसे संविधान के दायरे में होना होगा और यह शांतिपूर्ण होगा। इमरान ने वरिष्ठ पत्रकारों से एक मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान सेना पूरी तरह से उनके साथ है और सरकार के एजेंडे का समर्थन करती है। आगे इमरान ने कहा कि नागरिक और सैन्य संबंध विश्वास पर आधारित है और दोनों के बीच यह विश्वास काफी मजबूत है। वह कभी भी देश नहीं छोड़ेंगे और देश को संकटों से बाहर निकालेंगे। इसी मामले में इमरान खान ने कहा कि जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल नेता के प्रदर्शन में उन्हें साजिश नजर आ रही है और इसका एक निश्चित एजेंडा है। इमरान से पूछा गया कि क्या उन्हें किसी विदेशी एजेंडे का कोई सबूत मिला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मार्च का समय और क्षेत्रीय स्थिति इसके पीछे भारत का हाथ होने का संकेत दे रहे हैं। बातचीत में मौजूद एक पत्रकार ने बताया कि पीएम इमरान ने कहा कि उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता और वह इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने विपक्षी धरने को एजेंडा आधारित बताया और कहा कि इसे विदेशी समर्थन यानी कि भारत का समर्थन हासिल है। बातचीत में शामिल पत्रकारों के हवाले से बताया गया है कि इमरान खान ने कहा, जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के मार्च ने भारत में खुशी की लहर पैदा कर दी है। मुझे नहीं मालूम कि मौलाना फजल की समस्या क्या है, मैं विपक्ष के एजेंडे को समझ नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल इमरान खान ने माना कि देश में महंगाई और बेरोजगारी का संकट है और कहा कि सरकार इनसे निपटने का प्रयास कर रही है। इमरान से पूछा गया कि नवाज शरीफ सरकार को गिराने के लिए उन्होंने भी धरना दिया था, तो इमरान ने दावा किया कि उनका धरना बेवजह नहीं था। चार निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में धांधलियों का उनके पास सबूत था। इमरान पहले तो कश्मीर के लिए बौखलाए हुए थे, लेकिन अब इन सब बातों से यह जाहिर हो रहा है कि अब वह अपने ही देश में निशाना बन गए हैं। जल्द ही पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।